हेलो रिवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2B का एग्जांपल नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अप्लाई डिवीजन एल्गोरिदम टू चेक इफ gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको चेक करके बताना है कि जो gx होगा वो fx का फैक्टर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर कब हो सकता है, जब वो पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल को मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, और कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब होता है रिमाइंडर जीरो आना। ठीक है, तो हम यहां पर सिंपली क्या करेंगे कि दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि जो रिमाइंडर है वो जीरो के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर जीरो के इक्वल आएगा तो उस केस में बोल सकते हैं कि जो जी एक्स है एफ एक्स का फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है तो उस केस में बोलेंगे कि जो जी एक्स है एफ एक्स का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 11 के जस्ट सिमिलर है, वहां भी ये चेक करके बताना था कि जी एक्स जो है एफ एक्स का फैक्टर है कि नहीं है। तो सिंपल बस यही करना है, लॉन्ग डिविजन मेथड परफॉर्म करना है, चेक करना है रिमाइंडर जीरो के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो पहले जो चीज गिवन उसको लिखते हैं, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6 प्लस 2। ठीक है, जी एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये जी एक्स है। तो डिवीजन परफॉर्म करने से पहले ये चेक करते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल का जो पावर होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो दोनों जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब हम सिंपल यहाँ पे डिवीजन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड करना है इसको, एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे कि डिविडेंड का पहला टर्म को डिवाइजर के पहला टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी कि x के पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x क्यूब और 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बात को ध्यान से देखेंगे कि जो डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल है वहाँ पर एक्स स्क्वायर टर्म कहीं नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर टर्म कहीं नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है तो इसका मतलब उसका जो कोफिशियंट हुआ होगा वो जीरो हुआ होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पे नहीं है। तो आप चाहो तो यहाँ पे जीरो एक्स स्क्वायर लिख सकते हो या फिर ऐसे भी आप डिवीजन परफॉर्म कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि एक्स और एक्स स्क्वायर इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब ये हो जाएगा x क्यूब। अब यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2x स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे और माइनस x को नीचे लिख देंगे, यानी कि माइनस x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म है नहीं, इसको एज इट इज नीचे लिख देंगे। अब फिर से एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, तो प्लस x, x से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 2x। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा और ये क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर से एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो प्लस 1 आएगा, अब 1 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो जी एक्स होगा वो एफ एक्स का फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो उसके समय बोलते जी एक्स जो एफ एक्स का फैक्टर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस रिमाइंडर, या फिर आर इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स, बस इतना लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करके बता दिए कि जो जी एक्स है एफ एक्स का फैक्टर है, तो सिंपल हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2019 में पूछ चुका है और होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 11 के सिमिलर है, या फिर जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं उसको भी समझ में आया होगा क्योंकि हम सारा बात इसमें भी पता है। ठीक है, अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।